हेलो गाइज, आपका स्वागत है जेस प्रो गेमिंग में। सो गाइज, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं इस नई वीडियो में अपने मिशन का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। यस गाइज, आपने पार्ट सेकंड में देखा होगा रिजॉल्व ऑफ क्रिसिस के, उसमें हमने वो टीम रॉकेट ग्रंट सेकंड और थर्ड को हराया था। और आज पार्ट फोर्थ में लेके आया, पार्ट थर्ड लेके आया हूँ, जिसमें मैं टीम रॉकेट ग्रंट थर्ड को फोर्थ को हराऊंगा। क्योंकि हम ज़्यादा पार्ट, एक एक्स्ट्रा पार्ट को कम करने की वजह से हमने पिछली पार्ट में ही हमने वो हरा दिए थे उन्हें। अभी आप देख सकते हैं, ये हमारी टीम स्क्वेड है जैसा हम देखे गए थे लास्ट, हमने स्क्वेड जो छोड़ी थी वैसे। और अब हम देखे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें फोर्थ ग्रंट से लड़ना है, तो अब हम चलते हैं फोर्थ ग्रंट से लड़ने की ओर। और ये फोर्थ ग्रंट से हम लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे पता था वो क्राइमर, इसलिए हमने ज़्यादा चेंज नहीं, ये गलत हो गया। अरे कज़ैम कहाँ, हाँ ये रहा एलाकाज़ैम, ये तो गलत हो गया। इस बार भी लगता है हमें दोबारा फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन हो भी सकता है हम जीत जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब हम किसे चुने, फ्लाईगोन को, हेराक्रॉस को, गोलम को? मेरे हिसाब से फ्लाईगोन को ही चुनना चाहिए, क्योंकि गोलम बाद में काम आएगा, अर्थ पावर। और ये देखिए हमारी अर्थ पावर, दोबारा अर्थ पावर से है नहीं गया, लेकिन इस बार अर्थ पावर से तो ख़त्म हो जाएगा ये। और ये देखिए हमारा भी एक पोकेमोन वो फेंटेड हो गया, और उनका भी एक पोकेमोन यानी इक्वलिटी पे आ गए। लेकिन इक्वलिटी पे इसलिए नहीं कि अब हम क्या करेंगे, फ्लाईगोन को सेव करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा वो हमला करेगा। उससे पहले फ्लाईगोन कुछ हमला करेगा, ये देखो इसी हमले की वजह से मैंने वो नहीं करा था, क्योंकि किसी और को भी चुनता मैं वो उसे हरा देता एक बार में। अब हमारा हेराक्रॉस का वही एक हमला, क्लोज कॉम्बैट इसके लिए काफ़ी है। और इसके बाद वो हम थोड़ा इक्वलिटी पे चल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आ जाते हैं। देखिए हम, इसने इस बार भी ये हमला करके हेराक्रॉस को हरा दिया। लगता नहीं अब हम जीत पाएंगे। अब हमारा टायरेंटार बचा है और गोलम बचा है। गोलम को देखते हैं डबल एच करके, ये देखिए डबल एच से। लेकिन एक दिक्कत है कि ये अपनी भी एचपी लेवल माइनस कर देता है कुछ। फिर से हम डबल एच करते हैं और बस एक ही वो एचपी लेवल बहुत ही कम बची है। अगर हम एक्सप्लोजन करने में कामयाब नहीं रहे, हमें मौका ही नहीं मिला, तब हम किसे चुनेंगे? चार्मेलियन, टायरेंटार को ही चुनते हैं, क्योंकि अब तो हम हारना पक्का ही है। चलो टायरेंटार, डार्क पल्स कुछ काम कर नहीं आया। टायरेंटार, थ्रेस, चलो थ्रेस, बस इसमें यही प्रॉब्लम हुई थी कि ये वो दो तीन बार करता ही रहता है थ्रेश अटैक। फिर से थ्रेश करवाते हैं इससे। लो इस बार तो कंफ्यूज हो गया और खुद को ही मार बैठा ये। अब हमारा लास्ट पोकेमोन बचा है चार्मेलियन। चार्मेलियन तीन पोकेमोन से तो नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। और इसी के साथ अब उनका दूसरा पोकेमोन आएगा बस, लेकिन इससे हमें टॉक्सिक टाइप उस पर ज़्यादा है, तो हमें अपने पोकेमोन वो लिस्ट, अपनी पोकेमोन स्क्वाड को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो इस बार भी पिछली बार की तरह करेंगे, हम जाएंगे वो हील करवाने सारे पोकेमोन्स को, ये वो फेंटेड हो चुके हैं। और फिर हील करवाने के बाद हम, अगर फाइट में हमारे सारे पोकेमोन हील हो जाते हैं, फेंटेड हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम पोकेमोन सेंटर में आ जाते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। और फिर अब हम हील कराने जा रहे हैं। ये देखिए हमारा हील कम्प्लीट हो चुका है। अब हम अपनी स्क्वाड चेंज करेंगे। क्या हो गया, क्या है ये? कुछ नहीं है, इसे हटाते हैं। अब हम स्क्वाड चेंज करते हैं। सो ऐसी ये हमारी स्क्वाड में सब सही है, बस एक चीज़ वो एक्स्ट्रा है। कौन है? चार्मेलियन है वो। चार्मेलियन की जगह कौन आएगा? हिप्नो ही आएगा, और हिप्नो आ चुका है। और हम एलाकाज़ैम की जगह चेंज करते हैं उसे। तो हम चलते हैं अपने पार्ट थ्री को, यानी कि वो ग्रंट फोर को हराने। सो इस ग्रंट फोर को अब हराने चल रहे हैं। क्या इस बार हम ग्रंट फोर को हरा पाएंगे? मुझे तो लगता है कि हम हरा सकते हैं इस बार ग्रंट फोर को। आपको क्या लगता है? आप गेस भी कर सकते हैं कि हम ग्रंट फोर को हरा पाएंगे या नहीं। ग्रंट फोर को हराने के लिए हम रेडी हैं। तुम्हें एक बार हमें हरा के भेजा है, इस बार नहीं, हम बदला लेने आए हैं, जैसे एश लेने आता था बदला जिम लीडर्स से।
साइको कट हमें पता था, इसलिए हमने साइको कट पहले इस्तेमाल कर दिया। अर्थ पावर साइको कट हमला यूज क्यों नहीं हुआ? अर्थ पावर फिर से लगता है साइको कट का हमले का इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। अबे यार अब हुआ, अब थोड़ी देर रुकी जाता किसी और पकवान को ऐसे फेंटेड हो जाता। हमारे दो पकवान फेंटेड और उनका एक ही पकवान फेंटेड, क्या हुआ? ये लो हमने फिर से गलत पकवान को चुना गलत समय पे। कौन आएगा? हिप्नो 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 कुछ काम का नहीं हुआ। हिप्नो क्या आपको लगता है इस बार भी हम हार जाएंगे? मेरी तो कॉन्फिडेंस लेवल अब थोड़ी लो होती जा रही है, लेकिन हम अपना क्लोज कॉम्बेट से थोड़ा मदद लेने की कोशिश करेंगे। चलो उनके दो पकवान, लेकिन हमारे तीन साढ़े तीन पकवान, क्योंकि इस हेराक्लोस की भी लेवल थोड़ी वो हो चुकी है। क्लोज कॉम्बेट फिर से, और इस बार क्लोज कॉम्बेट पहले, तब हमारे तीन तीन पकवान इक्वालिटी पर आ चुके हैं, क्योंकि हेराक्लोस के अब आधे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हेराक्लोस को हम बचाएंगे, क्यों? क्योंकि हेराक्लोस लास्ट में मदद करेगा हमारी। और हम क्या करेंगे? बुलडोज हमला, बस एक बुलडोज हमला और। नहीं हुआ, मूव फेल्ड हो गया लगता हमारा। चलो इस बार गया, अब बस एक्सप्लोजन का मौका मिल जाए। नहीं देता ये कभी भी हमें एक्सप्लोजन का मौका। अब हमें अगर टायरेंटार बचा है, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे पहले। नहीं, हेराक्रोस का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है टायरेंटार तो बहुत कमज़ोर है उसके खिलाफ। ये लो बर्न हो गया हमारा पोकेमोन। ये क्या, अब लगता नहीं हम बच पाएंगे, अब टायरेंटार ही बचा हुआ है। ऐसे तो हम बार बार ये देखिए, इस बार भी नहीं बच पाए। थ्रेश, अगला पोकेमोन कौन सा होगा? अगला टॉप पोकेमोन ग्राइमर है। थ्रेश हम लगाते हैं फिर से। ग्राइमर इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है। ये देखो, एक बार और ऐसे ही करता रहे तो एक बार और करते, बस। अब देखिए हम जीत गए, हमें लग रहा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन हम जीत गए, देखा आपने। इसी के साथ भले हम वन स्टार से जीते हों, लेकिन जीत तो गए। अब इसका आगे ये क्या, अब आगे आगे अभी हमें एक जने को और हराना, क्या नाम है? लैम्डा। हमें अभी इन्हें लैम्डा को भी हराना पड़ेगा। क्या लैम्डा को इसी में वो लड़ें? चलो पहले अपने एक ही पकवान से लड़के देख लेते हैं कि कौन कौन सा पकवान है, फिर देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। बहुत लंबा कहने के बाद फाइट करी, पहले कर लेते हैं। तो टॉक्सिक टाइप गायरो बोल का इस्तेमाल करा उन्होंने, हमने थ्रेश और फिर से गायरो बोल, हमने फिर से थ्रेश करा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली थ्रेश कर रहा है। चलो अब हमें मौका मिला तो हम दोबारा से थ्रेश ही करेंगे। सो गाइस, ये आपने देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो गाइस अब हम हार चुके हैं इनसे, और देखा ये टॉक्सिक टाइप पोकेमोन हैं इनके पास, तो हम क्या करेंगे, इसी में हराएंगे? नहीं, अब हम इनसे लड़ने आएंगे अगले पार्ट में। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे अगर वन वन करके बनाते तो हमारे पांच वीडियो बनती है एक उस मिशन पे, तो अब कैसे केवल चार वीडियो में ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब अगली वीडियो क्या होगी? लैम्डा को हराने के लिए होगी। और लैम्डा को ये देखिए, दूसरे के पकवान देख रहा हूँ मैं, ये कौन सा पकवान है इस पर ये नहीं पता। अच्छा ये वाला है, इसी की तरह दूसरा पोकेमोन है मेरे पिंक कलर का है शायद। सो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।